फ्रेंड्स, हमारे साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारी कुछ जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कभी कभी हमसे डिलीट हो जाती हैं या कहीं मिसप्लेस हो गई, या फिर कभी कभी वो फाइल्स ही करप्ट हो जाती हैं, यानी जो आपके डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है। अगर आप उन फाइल्स का बैकअप नहीं लिए होते हैं, अगर उन फाइल्स को आप बैकअप में नहीं बना के रखे होते हैं, कहीं पे पेन ड्राइव में या कहीं हार्ड डिस्क में नहीं रखे होते हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को होती है। इसका मतलब कि आपकी फाइल्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिससे अपनी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आप बैकअप बना के रख सकते हैं। और बैकअप ऐसा वैसा भी नहीं कि कोई भी एक्सेस कर सके, बैकअप एक सिक्योर बैकअप आप बना के रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको सबसे ऊपर ही एक लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देखिए, आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और देखिए यहाँ मिलता है आपको सॉफ्टवेयर एक AOMEI बैकअपर। तो आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको मिल जाएगा बेस्ट फ्री बैकअप सॉफ्टवेयर टू इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। तो इस पर आपको चले आना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड फॉर फ्री, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है और यस यस करते जाना है। बहुत ही आसानी से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन करना है। देखिए ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अभी हम इसके होम पेज पे हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए बैकअप पे आते हैं, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिखाता है सिस्टम बैकअप का, यानी आप पूरे सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं। डिस्क का किसी बैकअप लेना है तो उसको ले सकते हैं, पूरी पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फाइल का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी आप किसी एक सेपरेट फाइल या फोल्डर को बैकअप लेना चाहें तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सिंक का ऑप्शन मिलता है। उस सिंक के बाद देखिए आपको नीचे रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है। रिस्टोर से आप अपनी फाइल्स को जो भी बैकअप ले चुके हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्लोन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने पूरे सिस्टम का क्लोन बना सकते हैं, डिस्क का क्लोन बना सकते हैं और पार्टीशन का भी क्लोन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आप टूल्स पे चले जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे आपको टूल्स फ्री में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाता है कि विंडोज 11 के लिए आपका पीसी कंपेटेबल है या नहीं, तो उसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक बूटेबल मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ शॉर्टकट दे रखा है, तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से आप डिस्क वाइप कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ देखिए बैकअप के टूल्स देखने को मिलते हैं और कुछ फ्री टूल्स दे रखे हैं अलग से, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए डिस्क पार्टीशन का आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है, रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलता है, डाटा रिकवरी का ऑप्शन आपको मिलता है। आईफोन है अगर आपके पास तो उससे डाटा ट्रांसफर करना है तो वो भी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कोई फाइल बैकअप करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बैकअप करना है। तो आप बैकअप वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद देखिए मिल जाता है फाइल बैकअप, इस पर चले जाते हैं। और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं किसी एक फोल्डर का बैकअप लेना है या फाइल का। चलिए मैं फाइल का बैकअप आपको लेकर दिखाता हूँ। फाइल पर जाते हैं और यहाँ से दिस पीसी पर आ जाना है। उसके बाद जिस भी ड्राइव से आपको बैकअप लेना है, अपनी फोल्डर को या फाइल को ढूंढ लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं उस फाइल को, जैसे ये देखिए फाइल है मेरी, और इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए नीचे वाले ऑप्शन में हमें चूज़ कर लेना है कि कहाँ पे हम इसका बैकअप लेना चाहते हैं। कोई डिस्क वगैरह आपने लगा रखी, कोई पेन ड्राइव या कोई हार्ड डिस्क वगैरह लगा रखी, तो उसको आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए ये आई, हमने एक पेन ड्राइव लगा रखी 8 GB की, तो इसी में हमें मुझे बैकअप लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देखिए यहाँ ऑप्शन मिलता है स्टार्ट बैकअप का, तो स्टार्ट बैकअप पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसने बैकअप बना दिया है। किसी भी फाइल का बैकअप लेने में कितना समय लगता है ये आपके पीसी पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए फिनिश करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं अभी अभी ये फाइल क्रिएट हुई है। इसको ओपन करने के लिए आप चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसको ओपन करने का। देखिए ये तो अपनी पेन ड्राइव में जाते हैं। पेन ड्राइव में जाने के बाद देखिए जो आपने बैकअप क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, उसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये माई फाइल बैकअप दिखा। अगर आप इस बैकअप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगी। अगर आपके पीसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तभी इस फाइल को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसका मुझे सिक्योरिटी फीचर काफ़ी अच्छा लगा, जिससे कोई भी पेन ड्राइव अगर आपका पा जाता है या कोई भी आपकी हार्ड डिस्क पा जाता है तो बहुत ही आसानी से आपकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप अपने फाइल्स का बहुत ही इजीली बैकअप ले सकते हैं और भी सिक्योर बैकअप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसका पेड वर्जन चाहे तो ले सकते हैं चाहे तो नहीं। वैसे मैं कहूँगा कि बहुत से फीचर्स इसमें आपको फ्री मिल जाते हैं तो आप फ्री फीचर्स का यूज़ करिए। अगर आप इसका पेड वर्जन लेना चाहें तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।